हे गाइस व्हाट्स अप, दिस सुभाष हियर एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गाइस हमेशा की तरह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके का चीज दिखाने वाला हूं। जैसे आप तुम्हें पीछे देखो ये चप्पल का सेट आप लोगों को दिख रहा रहेगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि हाउ टू मेक चप्पल। अगर किसी को भी चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लोग के लिए मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चप्पल कैसा बनाते हैं और कैसा हम लोग बिजनेस कर सकते हैं अपना चप्पल का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप जरा सही मत करना, नहीं तो तुमको थोड़ा बहुत मिसलीड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये सीट है 4x6, एक ही साइज का सीट मिलता है? हाँ, एक ही साइज का मिलता है सीट ये। ओके, इसमें अलग अलग कलर के सीट आते हैं बहुत सारे। एक्यूप्रेशर सीट आती है। अच्छा, इसकी थिकनेस है, यहाँ से देखिए इसमें डबल कलर है, अंदर अलग कलर है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है इधर की। ओके, ये प्लेन है। हाँ, फ्रंट इसमें अपन कलर भी कर सकते हैं, जो अपने को चाहिए यूज करे, जो भी चाहिए वो कलर कर सकते हैं। ये है डाई, ये चप्पल का डाई है। हाँ, ये चप्पल का डाई है सर। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरे डाई है, ये साइज के सब चप्पल। हाँ, चलो, ये साइज के डाई है पूरे। ये 6 से 9 लेडीज का भी है, जेंट्स का भी है। तो अपने को डायरेक्ट सीट अपन डालते हैं तो कट करने के लिए प्रॉब्लम आता है ये मशीन के लिए। अच्छा, तो अपन इसको कट करके तो एक आसानी से फटाफट काम भी होता है। ओके, और ग्रिपनेस भी ज्यादा भी चप्पल अपन वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कट करके अपन इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग होने के बाद सर इजीली कटिंग हो जाता है, इजीली कटिंग होता है सर, वन टाइम मतलब किस देने का इजीली कटिंग हार्ड सीट हो गया सर एक। ओके, तो इसमें अपन लेफ्ट का भी कर सकते हैं, राइट का भी कर सकते हैं। मैं आपको मशीन चालू करके दिखाता हूँ। और प्रेस मशीन है, पूरा हाइड्रोलिक मशीन है। इससे हर तरह की हिलसोल हो गया, स्लीपर हो गया, बहुत सारे ऐसे कटिंग कर सकते हैं अपन मशीन में। इसके लिए बहुत बेनिफिट है और ये सर एकदम बहुत यूजली एकदम आसानी से सर कटिंग होता है। यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाई रख दी सर अपन ने। अपने को लेफ्ट का चाहिए लेफ्ट का बना दिया, राइट का चाहिए राइट का बना दिया। ये रख दिया सर, इसका साचा अपन ने बरोबर देख लिया, कनोट कर लिया। ओके, आसानी से सर देखो चप्पल पूरी एक चप्पल का नकाशा आ गया पूरा। इसका बटन नीचे है ना? हाँ सर, नीचे है। प्रेस करने के लिए आपको नीचे पाव से करना है। ये हो गया, इसको होल भी आ गया सर, लेफ्ट और राइट का भी एक आ गया। ये राइट का हो गया, अभी अपन लेफ्ट का बनाएंगे सर। सीट को अपने को उल्टी करना है सर, इसका स्टैंडर्ड जो साइज रहता है वो हिसाब से होल किया। ये अभी हो गया राइट का और ये लेफ्ट का, ये लेफ्ट का अपन ने कर दिया यहाँ से। जितना सीट अपन सर बचा सकते हैं यहाँ पे देखिए सर, जितना अपन सीट को बचा सकते हैं उतना बचा सकते हैं सीट को, उससे कैसे अपनी एक जोड़ी ज़्यादा निकलेगी। ये देखो सर इजीली राइट और लेफ्ट दो चप्पल सर अपने रेडी हो गई है। उसके बाद सर आता है फिनिशिंग का। ये फिनिशिंग रबिंग मशीन है सर, वो आपको दिखाता हूँ। ग्राइंडर मशीन है, इसको अपन जो थोड़ी सी हल्की फुल्की कटिंग है जब अपन फिनिशिंग करते हैं शार्प है, स्मूथ कर सर, वन टाइम सिर्फ करना है सर अपने को इसका। ये देखो सर आप हाथ लगाइए, एकदम स्मूथली एकदम जो शार्प था वो अभी स्मूथ हो गया, एकदम स्मूथ हो गया। जैसे क्या उससे क्या ऐसा फ्यूचर में ऐसा कटेगा नहीं सर, एकदम बराबर लेवल भी हो गया सर इसका चप्पल का, और अच्छी तरह से 1, 2, 3 ये पूरे से होल भी हो गए। लास्ट अपन ऑप्शन आते हैं इस पे बैठते, ये अपन मशीन चालू करके दिखाते हैं। ये तीसरा मशीन है, तीसरा मशीन है सर। इसको अपन जो बद्दी बैठती है बद्दी के लिए अपन होल कर दिया सर इसमें। अच्छा, एकदम सिंपली एकदम सर, ये देखो ये होल हो गया, 1, 2, 3 तीनों का होल हो गया पूरा एकदम अच्छी तरह से। ओके, जो अपन लास्ट अपनी लास्ट फिटिंग में पूरी चप्पल रेडी हो जाएगी सर। अपने को स्क्रेपर में सिर्फ घुसाना है सर ऐसा। अच्छा, ये घुसा दिए यहाँ पे सर, रख दिए। ओके, सिर्फ प्रेस करना है सर अपने को यहाँ पे। अच्छा, नीचे साइड इसका नीचे हाँ सर, ये देखो बद्दी लग गई, ये दूसरी टाइप। Thank you.
ये देखो सर, पूरी चप्पल बन के रेडी हो गई सर ये। अब इस पे बीच में कलर करना रहेगा तो? सर कलर करना रहेगा तो अपने को जो चाहिए कलर, अपने खुद की कंपनी के नाम रहेगा तो खुद का ब्रांड अपन बना सकते हैं सर। उसका कैसा रहेगा? लेफ्ट और राइट का सर। और ये इसकी डिजाइन हो गई, ये आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। ये हम लोग इस पे ये लगाने से पहले करना पड़ता है? हाँ सर, ये आप मशीन के बाद, उसके बाद आप ये डाल सकते हो सर इसमें, मतलब कोई डिजाइन दे सकते, डिजाइन दे सकते हो जो चाहिए। अभी समझो मेरा नाम बिग बॉस कंपनी के नाम से मेरा सर, ये उसकी डिजाइन है पूरी, ये वाली ये साइड से। ओके, और कैसे करते फिर अपन सर एडजस्ट करने के लिए? सर अपने को जो चाहिए डिजाइन, अपने के चप्पल रख दिए यहाँ पे, उसके हिसाब से अपन देख लिए कितना सेंटीमीटर अपने को लगता है। क्लैंप लगा लिए सर, और ये चप्पल का आकार है, जितना आकार है उतना अपन यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सर, ये वाला। तो यहाँ से सिर्फ अपने को कलर डाल के खींचना है, ये वाला कलर पेंटिंग अपना रेडी हो जाता है सर। अच्छा, हाँ तो ये फटाक से सूख जाता है। देखो सर, ये देखो, ये अलग है इसका सेम पैटर्न, इसके ऊपर ऐसे आई है, तो यहाँ कलर भी फटाक से सूख जाता है। हाँ सर, 2 मिनट में सर, 1 सेकंड भी नहीं लगता कलर सूखने के लिए। तो अपनी ये चप्पल पूरी रेडी था, ये देखिए तो इस तरह रेडी हो जाता है। हाँ सर, यहाँ पर ऐसे ये डिजाइन अलग है, यहाँ पर ऐसे अपने को अलग अलग ऐसा यहाँ पर अलग अलग, अगर चाहे हो तो इसको निकाल के अपन दूसरा डिजाइन फिट कर सकते हैं। जैसे सर हमने बनाए हैं ये डिजाइन, लेडीज की और एक डिजाइन है ये वाली, समझ गए। उसके बाद इस रिबॉक करके हमने ऐसे ही बनाया, लेटर्स में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाँ सर, जो चाहिए आपको, अभी व्हाट्सएप का भी सर हमने नए नए बनाए थे, ठीक है सर, ये भी अपन ने बनाए थे वो, ये भी डिजाइन है। हाँ ये डिजाइन है, तो ये ऐसा रेडी होने का जस्ट को पैक हाँ करना सर, है प्लास्टिक, रेडी होने के बाद सर प्लास्टिक में आप पैक कर, ये आपका हो गया सर पूरा प्लास्टिक का। आप कहाँ पे भी सर होलसेल में भी कर सकते हो धंधा, रिटेल में भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छी इनकम है सर इसकी। तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक चप्पल किस तरह बनता है, आई मैं आप लोगों को एक बिजनेस आइडिया देता हूँ, अगर किसी को भी चप्पल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना और रिटेल में मतलब बेचना है। देखो मेरे साथ है दीपक भाई, यही मतलब बिजनेस करते हैं इस चीज़ का, चप्पल का। ये आप लोग अच्छे से बताएंगे कि कितना अगर वो प्रॉफिट मतलब ले सकते एक मशीन से, तो जरा दीपक भाई बताओ जरा हमारे ऑडियंस को। सर जी ये पावर प्रेस मशीन है, इसमें हम हर तरह के चप्पल कटिंग कर सकते हैं, हर तरह। हाँ सर, जैसे जूते का फार्मा हो गया, अंदर का हील सोल हो गया सर, वो सब की। हाँ सर, सब होता है इसमें। अपन सर जूते का कटिंग जो चाहिए वो अपन कर सकते हैं, जैसे गए थे वीडियो में, ये स्लीपर वो कट कर सकते हैं पूरा। हाँ, और सर इससे ये फायदा है सर, इसमें अपन बहुत सारा ज्यादा लागत न लग के, कितना रहेगा इसका कॉस्टिंग पूरा? सर 30 रुपए अपने घर में गिरता है, 30 रुपए घर में। हाँ सर, 65 रुपए का अपन सर बाहर बेचते हैं मार्केट में होलसेल के लिए, और रिटेल में सर 100 रुपए बिकता है। अगर जिसको रिटेल में भी अपना सेल करना रहेगा तो 100 रुपीज में सेल कर सकते हैं सर, बहुत अच्छा इनकम है इसमें। इसका प्राइस क्या रहेगा मशीन किसी को चाहिए? और सर ये मशीन मेरा मैंने लिया था 1,60,000 का मशीन लिया था सर, मार्केट में 1,60,000 का मशीन है। ओके, तो मैं सर जीएसटी ऐड करके, हाँ सर जीएसटी ऐड करके सर मैं 1,20,000 में दे रहा हूँ मशीन, मेरे पास एक्स्ट्रा मशीन है इसके लिए मैं दे रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, मशीन कौन सा कितना सर? ये पहला मशीन है सर ये वाला, उसके बाद एक ग्राइंडर मशीन है सर जो अपन फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग है जो शार्प होता है। हाँ सर, ये एक मशीन है और एक ड्रिल मशीन है जो अपन स्लीपर को ये पैटर्न में अपन होल्ड करना चाहते थे इसको, ये वाला मशीन। ये हम लोगों ने देखे थे। हाँ, उसके और ये स्क्रैपर है, ये मशीन अपन डायरेक्ट स्क्रैपर में डाल के, अच्छा ये मतलब फिट करने, फिट करने के लिए है सर ये मशीन। हाँ ओके, ये लास्ट वाली ये क्या चीज़? ये सर पेंटिंग करने के लिए, जैसे अपन ये पेंटिंग है मैंने भी साथ में मिलता है कि? हाँ सर ये साथ में, हाँ सर साथ में मिलता है, साथ में मिलता है। हाँ सर, उसके साथ में सर ये डाई भी मिल जाएगा आपको, डाई पूरे, डाई का सर अलग है, पर मैं मेरे पास डबल डबल डाई है इसके लिए मैं दे दूंगा। ये वाला एक डाई है, इसमें पूरे कम से कम लेडीज के 5 से लेके 8 तक है, और जेंट्स के लेके 6 से लेके 10 तक डाई मेरे पास पड़ी है। ओके ओके, तो गाइस जिससे मैंने आप लोगों को बताया डिटेल, अगर किसको भी ये मशीन चाहिए रहेगा, देखो मार्केट में प्राइस चल रहा है 1,60,000 के आसपास चल रहा है, बट इनके पास एक एक्स्ट्रा मशीन है सेम इसी तरह का, उनको कुछ कितना महीना हो गया यूज करते हैं? सर 2 महीना हो गया, 2 महीना यूज करके हो गया। तो मेरा सर इनके पास बिल भी है मेरे पास, ठीक है बिल भी दिखा देंगे मैं आप लोगों को, लास्ट में बिल दिखा दो, 2 महीना यूज हो गया घर के। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है लेना चाहता है मशीन में, कोई फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है? नहीं सर, आपको वारंटी वारंटी का कुछ जरूरत ही नहीं सर, ये मशीन ऐसे सालों साल चलती रहती है सर मशीन, कुछ करना नहीं है, सिर्फ पाना पकड़ से टाइट करना है। और सर ये इसको ना 3 फेज की जरूरत नहीं है, कोई बोलता है 10 टन की मशीन है, 10 टन की मशीन है सर, ठीक है इसमें 3 फेज जरूरत नहीं है सर, सिंगल फेज लगती है सर इसको, सिंगल फेज पे सर चालू हो जाती है इसको, जितने भी मशीनरी है 3 फेज की जरूरत नहीं है, सिंगल फेज पे सर चालू हो जाती है।
तो गाइस अगर किसको भी परचेस करना है तो एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने फोन नंबर दिया हो। आप लोगों को नई नई करके भी 20,000 का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, मतलब 2 महीना यूज हुआ क्या हुआ, आप लोगों को 20,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, न्यू लेने से अच्छा 2 महीना यूज वाला ले लो, जहाँ पर आप लोगों को 20,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बिल है जो मशीन का, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप लोग नाम भी देख सकते हैं और कितने में आप लोग पड़ा था, 1,20,000 में पड़ा था और GST ऐड करके आपको कितने में आ गया था, 1,41,600 में आ गया था, बट आप लोग को 1,00,000 कितने 20 में आ जाएगा, 1,20,000 में मैं दे रहा हूँ। ओके, और ये सब गाइस आप लोग बिल का नंबर जो भी रहेगा, GST नंबर देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं कभी की डेट है।